कॉनर मैकग्रेगर वर्सेस डस्टिन पोरिए फाइट प्रीव्यू। ये एक रीमैच है, पहली फाइट देखते हैं। 145 पाउंड्स, दोनों जवान। इसमें क्या हुआ? मैच से पहले ही कॉनर ने डस्टिन की इतनी ले ली थी कि वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाया। डस्टिन छूटते ही अटैक करना चाहता था और कॉनर तब भी कॉनर की तरह ही लड़ता था, बस हमें तब पता नहीं था। कॉनर सबसे ज़्यादा डेंजरस पहले दो राउंड में रहता है। वो अपने पूरे यूएफसी करियर में सिर्फ दो फाइट्स में फर्स्ट राउंड आ रहा है, एंड डस्टिन वाजंट आइदर वन ऑफ देम। तो ये देखो कॉनर क्या कर रहा है, ये प्रोबिंग किक्स है। कॉनर इसे डस्टिन को केज के पास ले जाना चाहता है, डस्टिन का डायरेक्शन खुद सेट करना चाहता है। और जब कॉनर अटैक कर रहा था, उसने नोटिस किया कि डस्टिन को कुछ भी मारो, डस्टिन के पास एक ही डिफेंस है। तो होना क्या था, कॉनर वेंट अराउंड डस्टिन गार्ड और पहली कोशिश में सफल रहा, और फिर क्या, गेम ओवर, तरी गिड़ता। लेकिन ये याद रखो कि ये 145 का डस्टिन था। इसमें डस्टिन की बॉडी देखो, और 155 में ये है डस्टिन की बॉडी। अगर कॉर्नर का फ्रेम देखोगे तो उतना डिफरेंस नहीं है। हाँ, कॉर्नर का मसल बड़ा है, लेकिन वो अभी भी कॉर्नर जैसा ही दिखता है। डस्टिन चौड़ गया है, फैल गया है। वो जो ब्रॉड शोल्डर है ना, वो पावर जनरेट करने में मदद करेगी और अपने हेड को स्टेबलाइज करने में मदद करेगी। अब डस्टिन की पिछली ही फाइट देख लो, डैन हुकर के साथ थी। मैंने भी कुछ टाइम पहले देखी और पहले दो राउंड देखते ही मेरा डस्टिन से विश्वास उठ गया कि डस्टिन अब जीत ही नहीं सकता है, क्योंकि डस्टिन ने हुकर से इतनी मार खाई कि अगर इसका आधा भी वो कॉर्नर से खाएगा तो नॉकआउट हो जाएगा। लेकिन कॉर्नर मोस्ट इफेक्टिव और मोस्ट डेंजरस सिर्फ फर्स्ट 10 मिनट्स में, और आज तक पहला राउंड सिर्फ दो फाइट्स में हारा है, हबीब और चैड। क्यों? क्योंकि दोनों ने कॉर्नर के साथ रेसलिंग करी। अब कॉर्नर फेवरेट है, सबको लग रहा है कि कॉर्नर ही जीतेगा। लेकिन अगर डस्टिन कॉर्नर को रेसलिंग में एंगेज कर लेता है और थका देता है तो कुछ बात बन सकती है, क्योंकि कॉर्नर अच्छा एंटी रेसलर है। लेकिन कॉर्नर के साथ कुश्ती करने का मकसद उसको हराना नहीं है, उसको थकाना है। जब हबीब और डस्टिन की फाइट हुई थी तब हबीब भी आश्चर्यचकित था कि डस्टिन इतना ताकतवर कैसे है। अगर डस्टिन रेसल करेगा तो ही विल हैव द पावर एडवांटेज। डस्टिन के पास शायद कॉर्नर जितनी वन पंच नॉकआउट पावर ना हो, लेकिन डस्टिन भी काफ़ी पावरफुल है। कॉर्नर 5 राउंड में इस डस्टिन को नहीं हरा सकता, जीतेगा तो नॉकआउट से ही। अब मेरा दिल कह रहा है डस्टिन, लेकिन मेरा दिमाग कह रहा है कॉर्नर। अब देखो, हर फाइट में एक सवाल रहता है। इस फाइट का सवाल क्या है? ये फाइट है डस्टिन के चिन और कॉर्नर की कार्डियो की। ज़्यादा नाजुक कौन है, पहले कौन टूटेगा, डस्टिन का चिन या कॉर्नर का कार्डियो? क्योंकि डस्टिन जब से 145 में आया है बॉम्ब्स खा रहा है, और कॉर्नर जब से पैसे वाला हुआ है पार्टी कर रहा है। कॉर्नर ने बोला है कि इस कैंप में उसने बिल्कुल दारू नहीं पिए, सिर्फ कुछ सिप्स मारे, और हम सब जानते हैं कि दारू से कार्डियो की लग जाती है। मेरे हिसाब से अगर ये फाइट 10 बार होगी तो कॉर्नर शायद 7 बार जीतेगा और डस्टिन शायद 3 बार। लेकिन शायद ये संडे उन 3 बार में से, देखते हैं क्या होता है। आप सबको क्या लगता है कॉमेंट में बताओ, लाइक ठोको। अंटिल नेक्स्ट टाइम।